ये ब्यूटी देखिए, मरीन ड्राइव है ये, मुंबई वाला नहीं महाराज, ये है डिफरेंट और स्पेशल, इतना कि एक बार आप यहाँ आ गए तो मुंबई और गोवा को भी भूल जाएंगे। रोड साइड पर दोनों साइड काजू के पेड़ ऐसे लगे हैं जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स हिमाचल में सेब और यूपी में आम के बाग होते हैं। यह है कोस्टल स्टेट ओडिशा का मरीन ड्राइव। अगर आप हैं घूमने के शौकीन तो यहां मिलेगा आपको जबरदस्त कॉम्बो पैकेज। यहां सुनहरी रेत और नीले पानी वाले समुद्र की नेचुरल ब्यूटी है, एनर्जी देने वाली शानदार हिस्ट्री है, और अगर जो रिलीजियस टूरिज्म करते हैं तो वो भी है। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत मरीन ड्राइव पर। आप इस समय कोणार्क सन टेंपल से जगन्नाथपुरी के बीच खूबसूरत ड्राइव पर है जो कि 35 किलोमीटर की होने वाली है। भारत में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक करीब 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इनमें कई आइलैंड भी शामिल हैं। मैं नेचर लवर हूं और भीड़ से दूर नई जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। मुझे इस समय मरीन ड्राइव बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है। इस बार मैं हिस्ट्री को करीब से समझने के लिए कुछ देर के लिए कोणार्क सन टेंपल के गलियारों में गुम हो गया और अब इस रूट पर समुद्र के किनारे सनसेट की ब्यूटी देखते हुए श्री जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। कोणार्क से पुरी जाते हुए उत्कल कोस्ट पर कई अनदेखे बीच हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रामचंडी बीच, उसके बाद चंद्रभागा बीच और फिर आता है पुरी बीच। इनमें सबसे पहले पड़ता है रामचंडी बीच जो कोणार्क से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर है। यहां पहुंचने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ओडिशा में इस कोस्ट की असली पहचान ही यहां की सुनहरी रेत और नीला पानी है। इनमें चंद्रभागा बीच को तो साल 2018 में पूरे एशिया में सबसे क्लीन बीच के लिए ब्लू टैग तक मिल चुका है। इस बीच पर सनराइज और सनसेट देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आप यहां कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप समुद्र किनारे एक बढ़िया से टेंट में नरम मुलायम बिस्तर पर आराम कर रहे हों और पास में हिलोरे लेते समुद्र की आवाज आ रही हो। वाह, क्या जबरदस्त थ्रिल होगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। इस मरीन ड्राइव का पूरा मजा यकीन मानिए पैसा वसूल हो जाएगा। दोस्तों, यहां आने का बेस्ट टाइम नवंबर से जनवरी है। अगर आपके पास एक वीक है तो भुवनेश्वर पुरी और कोणार्क होते हुए जगन्नाथपुरी में हॉलीडे प्लान करें। वाह दोस्तों, बात करते करते जगन्नाथपुरी भी आ गया। जल्दी मिलते हैं एक और खूबसूरत मंजिल पर। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।